जय हिंद दोस्तों, तैयार हो जाए कैंटीन की एक और शानदार वैकेंसी के लिए। जी हाँ साहिबान, कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसियां आ गई है। सातवीं पास कोई भी कैंडिडेट है तो इस वैकेंसी के अंतर्गत अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसियां रहने वाली है साहिबान। ऑल ओवर इंडिया बेस पे ये वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों, इस वैकेंसी को आपको अप्लाई कैसे करना है और इसमें क्या क्या मांगा गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इसकी लोकेशन। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि आपकी जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया में रहने वाली है। इसके अंतर्गत सबसे पहले इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। तो दोस्तों, जनरल वर्कर कैंटीन रिक्रूटमेंट 2024 जारी कर दी गई। इसका शॉर्ट व्यू इस प्रकार है। ऑर्गेनाइजेशन नेम जैसा कि मैंने बताया कि ये कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी आपकी आई है। आपका जो पोस्ट है वो कौन सी पोस्ट है, तो जनरल वर्कर कैंटीन में दोस्तों काम करना होगा आपको। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल दोस्तों 20 नहीं 15 वैकेंसी इसकी जारी कर दी है। इसके अंतर्गत दोस्तों एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाले हैं। जॉब लोकेशन आपको बता दिया। हु कैन अप्लाई यानी कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपकी दोस्तों एप्लीकेशन फीस कितनी रखी जाएगी वो बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म के लिए जनरल ओबीसी के कैंडिडेट 200 रुपये फीस आपकी लगने वाली है। वहीं एससी और एसटी के कैंडिडेट से कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। इसकी दोस्तों ऑफिशियल साइट है www.coachingshipyard.in। इसके लिए दोस्तों स्टार्टिंग फॉर्म की डेट है दोस्तों 8/5/2024 यानी दोस्तों 8 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए आपकी लास्ट डेट की बात करें तो 22 मई 2024 इसके लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर भी, जहां से आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके अंतर्गत दोस्तों जो सर्कुलर नोटिस हो रहा है वो है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से। इसके अंतर्गत दोस्तों साफ बताया गया है कि कितनी वैकेंसियां और क्या क्या डेट इसमें मांगी गई है। तो दोस्तों यूआर के लिए 7 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 7 वैकेंसीज है, ईवीएस के लिए 1 वैकेंसीज है और टोटल 15 वैकेंसी इसमें आपके लिए रहने वाले हैं। आपको सैलरी किस प्रकार की दी जाएगी और क्या क्या एग्जाम में आने वाला है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटन टेस्ट आपका रहने वाला है 20 मार्क का, जिसमें 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए 80 मार्क के आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें दोस्तों आपको प्रैक्टिकल के तौर पर कैंटीन का काम करके दिखाना होगा। उसमें आपका 100 मार्क लिया जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको कम से कम बात की गई कि आपको रिटेन और प्रैक्टिकल टेस्ट दोनों के अंतर्गत ईवीएस और कैंडिडेट के लिए 50% टोटल मार्क आपका होना चाहिए। वहीं ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% टोटल मार्क्स में से आना जरूरी है। इसके बाद में आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए क्या रहने वाली हैं उसकी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंतर्गत सभी कैंडिडेट इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, तो वो आप बनवा लीजिए दोस्तों। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बातें और क्या रहेगी, तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई। तो सातवीं पास तो आपसे मांगी गई है, उसके अलावा भी दोस्तों और मांगी गई है, वो भी आप जरूर देखिएगा। जो वैकेंसी आपकी ये रहने वाली है वो 3 ईयर के दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाले हैं, ये थोड़ा सा पहले आप नोट कर लीजिएगा। सैलरी की बात करो तो दोस्तों आपकी सैलरी 20,000 रुपये पहले फर्स्ट मंथ में, इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट ईयर के अंतर्गत ये सैलरी आपको मिलने वाले हैं। सेकंड ईयर के अंतर्गत 20,800 रुपये और थर्ड ईयर के अंतर्गत आपको 21,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा काम करने पर भी दोस्तों पेमेंट मिलने वाला है, तो वो भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों और बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको सातवीं पास होने के साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसमें बोला गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन सिचुएटेड पोस्ट मस्ट बी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन बोर्ड बाई, यानी आपको दोस्तों इसके अंतर्गत आपको कैंटीन से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर पाओगे। एप्लीकेशन फीस जैसे मैंने आपको बता दिया। आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों आपको coachingshipyard.in पे जाके अप्लाई कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पे, जैसे ही जाओगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जहाँ से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। जय हिंद जय भारत।